वेलकम फ्रेंड्स। सो 11th क्लास हम फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टडी कर रहे थे। हम लिविंग के कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डेथ के ऊपर हम एक लेक्चर लेंगे पूरा। डेथ एक क्या है, जब एक लाइफ साइकिल जो होती है अलग अलग फेज के अंदर होती है। जो लास्ट फेज होती है सीनेसेंट फेज, उसके बाद जो अल्टीमेटली क्या आती है, डेथ आती है। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ के अंदर डेथ होती है कुछ यूनिसेलुलर को छोड़ के। तो जो डेथ है वो टू टाइप की होती है, बायोलॉजिकल एंड द क्लिनिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल डेथ एंड द क्लिनिकल डेथ। स्टूडेंट बायोलॉजिकल डेथ क्या क्या हो सकती है या क्लिनिकल क्या क्या हो सकती है। अगर मैं क्लिनिकल की बात करूं तो हार्ट बीट का रुक जाना, हार्ट बीट स्टॉप, ब्रीथिंग स्टॉप्स या पल्स स्टॉप, हार्ट बीट का रुक जाना, ब्रीथिंग का रुक जाना या पल्स का रुक जाना या प्यूपिल का डायलेटेड हो जाना। प्यूपिल जो होती है, प्यूपिल डायलेटेड, इन पे एक एक पे डिस्कस करेंगे भी, डायलेटेड हो जाना, ये कौन सी एक क्लिनिकल डेथ है। बायोलॉजिकल डेथ स्टूडेंट्स क्या होती है, जब ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। किसने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन। इट रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। जब ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो पूरी बॉडी की जो सेल्स है वो भी काम करना बंद कर देगी। और जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ। अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट बंद हो गई, उसके कारण उसकी हम कहते हैं डेथ हो गई, तो वो क्लिनिकल तो डेड है पर बायोलॉजिकल डेड नहीं है, क्योंकि उसका ब्रेन अभी तक वर्क कर रहा है। इसमें आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्लिनिकल डेथ में क्या क्या हो सकता है, एक तो हार्ट बीट रुक जाती है उसको हम क्लिनिकल डेड बोलते हैं, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है उसको हम क्लिनिकल डेड बोलते हैं, पल्स स्टॉप हो जाती है, पल्सिस, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, क्लिनिकल डेथ। और प्यूपिल डायलेटेड, हमारी जो आईज के अंदर जो प्यूपिल है ये लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, आपको पता है लाइट के साथ ये रिस्पॉन्ड करता है। तो जब ये डेथ होने के बाद क्या है, इसकी जो ये प्यूपिल है ये एक जगह पे ही रुक जाती है, ये लाइट को रिस्पॉन्ड करने से जो काम करना होता है रिस्पॉन्ड करने का वो काम बंद कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल डायलेशन। कई बार देखा होगा डॉक्टर टॉर्च मारते हैं आंखों में, ठीक है, वो डेड पर्सन हो जाता है या इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो देखते हैं प्यूपिल रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। उसका रीजन ये, वो देखते हैं कि प्यूपिल काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये तो होती है क्लिनिकल डेथ, हार्ट बीट रुक जाना, ब्रीथिंग रुक जाना, पल्सेज रुक जाना या प्यूपिल डायलेटेड हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, क्लिनिकल डेथ। और बायोलॉजिकल में क्या होता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, वो कौन सी होती है, बायोलॉजिकल डेथ। अब डेथ के बाद कुछ साइन जो होते हैं बॉडी के वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है। एक तो होता है पेलोर मॉर्टिस, पेलोर मॉर्टिस होता है डेथ के बाद जो स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी पेल होने लग जाती है, जो कलर है उसका फेड होने लग जाता है, उसको बोलते हैं पेलोर मॉर्टिस। इट इज पेलनेस विच हैपन्स आफ्टर बर्थ, डेथ के बाद ये पेलनेस या पेल कलर स्किन का होने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेलोर मॉर्टिस, ठीक है। उसके बाद लिवर मॉर्टिस, सेंट्रली को ब्लड इन लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के लोअर पोर्शन में ब्लड जमा होने लग जाता है। अब आप ये मत कहना भी लोअर पोर्शन है वो टांगे होगी, अगर कोई पर्सन मान लो इस प्रकार से लेटाया हुआ, उसको इस प्रकार से डेथ जैसे लेटा हुआ जनरली, ठीक है, तो ये जो नीचे का पूरा पोर्शन होगा यहाँ पे ब्लड जमा होने लग जाएगा नीचे के पोर्शन में। जैसे कि यहाँ की बात करें तो जैसे इधर नीचे के पोर्शन में हम सोए होंगे, जैसे नीचे के पोर्शन के अंदर ब्लड जमा होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाता है, उसमें उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिवर मॉर्टिस, सेंटरिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है अब यहाँ पे क्या है, सर्कुलेशन रुक गई है। सर्कुलेशन क्या है,
बॉडी के अंदर सर्कुलेशन रुक गया, क्योंकि सर्कुलेशन होगी तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, और सर्कुलेशन रुक जाएगी तो वो लोअर पोर्शन की तरफ जो ब्लड है वो इकट्ठा होना शुरू कर देता है। नेक्स्ट एल्गोर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ, डेथ के बाद बॉडी का टेम्परेचर स्टूडेंट्स कम हो जाता है, बॉडी कोल्ड होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है, ठीक है। तो उस बॉडी टेम्परेचर क्यों, क्योंकि जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है बॉडी के अंदर वो स्टॉप हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण ही हीट मिलती है, उसी हीट से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और वो टेम्परेचर जब कोई भी हमारा ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह सकता, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक होता है रिगोर मोर्टिस, ये क्या है, मसल्स एंटर ए प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा मसल्स अकड़ जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो ये रिगोर मोर्टिस हम आगे जब बोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, बोन और मसल्स पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की, एक रिलैक्सेशन होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पूरी अकड़ जाती है, डेथ के बाद किसी भी शरीर को हिलाया नहीं जाता, ये जो हाथ है अगर ऐसे रहे तो ऐसे ही रह जाता है, हम इसको ऐसे इसको हिला नहीं सकते, क्योंकि मसल्स ने क्या होता है काम करना बंद कर दिया होता है। अगर किसी पर्सन का हाथ ऐसे रहेगा तो उसको तोड़ के ही सीधा करना पड़ता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, वो पूरी अकड़ गई, वहां पे वो काम अब नहीं करेगी जैसे जब वो जिंदा था कर रही थी, इसका रीजन क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो ये कंडीशन डेथ के बाद होती है, पेलोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस एंड द रिगोर मोर्टिस। डेथ दो टाइप की, बायोलॉजिकल डेथ एंड द क्लिनिकल डेथ। बायोलॉजिकल में क्या है, जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और क्लिनिकल कौन सी है, हार्ट बीट टूट जाए, बर्थ, ब्रीथिंग पल्स एंड प्यूपिल डायलेटेड, ये क्या है, क्लिनिकल डेथ है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी हार्ट अटैक आने से, हार्ट के काम करने बंद करने से किसी की डेथ हो जाती है तो वो क्लिनिकली डेड होता है, बायोलॉजिकली नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स डेथ के बारे में आपने पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत बार इनमें डिफरेंस में भी, और यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम से भी, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी, बायोलॉजिकल और क्लिनिकल डेथ में क्या डिफरेंस हो सकता है, या ये जो कंडीशन है आफ्टर द डेथ कैसे बनती है, इन सभी कंडीशन के बारे में आपको स्टूडेंट्स स्टडी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट ये अपने लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने अच्छे से स्टडी करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना वो शुरू करेंगे। ओके थैंक यू।